अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ पेंडुलम। लेकिन लॉज ऑफ पेंडुलम में हम करेंगे आज लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड करेंगे। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या करना है, टेक 2 रीडिंग ऑफ टाइम फॉर ईच गिवन एम्पलीट्यूड। ये हमें एम्पलीट्यूड गिवन है तो इसमें हमने क्या करना है, 2 रीडिंग्स लेनी है टाइम ऑसिलेशंस का। उसके बाद हमने प्लॉट करना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने करना है इसमें आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो है इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद एम्पलीट्यूड जो भी आपको गिवन है वो लिखेंगे। सही है, तो उसके बाद जो है टाइम जो है रीडिंग्स 2 दफ़ा लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम फॉर टेन और ऑसिलेशंस। सही है, इसमें 2 कॉलम आएंगे, एक T1 कहेंगे इसको, एक को T2 कहेंगे, फिर इसके बाद इसका मीन आएगा। सही है, ये हो गया। फिर उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है सही है, ये कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा T/10। सही है, 10 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 10 ऑसिलेशंस ले रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं। सही है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये x इसका नाम देते हैं और ये सेंटीमीटर में है। यहाँ तक हो गया। अभी हमारे पास जो गिवन जो है, हमारे पास एम्पलीट्यूड गिवन है वो 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे आपने लिखना है 5, 7 और 9, 11। सही है, ये हो गया। ये 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशंस हमने लेनी है। सही है, तो अब इसमें क्या करना है, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड हमें क्या कहता है, जो टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के। सही है, जैसे ये हमारे पास पेंडुलम है। सही है, ये इस तरीके से आपके पास पेंडुलम होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, सही है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे अभी यहाँ पे मीन है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर ये पेंडुलम यहाँ तक आ रहा है, इस पॉइंट तक, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। सही है, तो ये जो है ये लॉ हमें बताता है कि जो भी आप इसकी पोजीशन एम्पलीट्यूड रखें तो इसके टाइम पीरियड के ऊपर जो भी पेंडुलम होगा, इसके टाइम पीरियड के ऊपर अगर हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करें, जैसे यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे यहाँ से जब मैं छोड़ के इसका 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लूँगा, जितना आएगा, लेट सपोज 5 सेकेंड आ रहा है, तो उतना ही यहाँ से मैं छोड़ के करूँगा इसके 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, तो भी 5 सेकेंड ही आएगा। सही है, चाहे फिर मैं यहाँ से करूँ तो भी 5 सेकेंड आएगा, अच्छा यहाँ से करूँ तो भी 5 सेकेंड आएगा। सही है, और इसमें जो है लेंथ जो होगी वो सेम होगी, सेम लेंथ होती है। सही है, और एक ही बॉब यूज़ होगा इसमें, मेटेलिक बॉब। सही, मेटेलिक बॉब। तो ये सेम लेंथ होगा, सेम मेटेलिक बॉब यूज़ होगा। और इसमें जो एम्पलीट्यूड हम सिर्फ चेंज करेंगे, सही। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे लास्ट उसमें वैल्यू ऑफ जी में आपने सिंपल पेंडुलम परफॉर्म किया है, तो जैसे आपको पता है उसी तरीके से ही इसको सेट करना है। सेट करने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले आपके पास जो भी बॉब होगा इसको आपने क्या करना है, टाई कर देना है। पहले थ्रेड के ऊपर टाई कर दो। और आपने जो लॉ ऑफ लेंथ अगर पहले किया है तो उसकी लास्ट वाली लेंथ को आप यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ लेंथ है, तो जैसे ये शुरू में ये किया, फिर ये इस पे सेट है, 100 पे सेट है पेंडुलम, तो यही लेंथ रख के आगे इन दोनों के लिए यूज़ करें, लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए यही लेंथ यूज़ करेंगे, सही है। तो आपकी मर्ज़ी है, चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं बताया। तो मैंने ये टाई किया, अभी के लिए मैं जो लेंथ दे रहा हूँ वो अपनी आसानी के लिए वो मैं थोड़ी कम ले लूँगा। मैं लूँगा इंक्लूडिंग हुक, जैसे पेंडुलम वाले में आपने इसको सही से मैंने कराया, उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ इसमें जो है मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम रखूँगा मैं 65। तो मैं मार्क जो लगाऊंगा वो रेडियस ऑफ दी बॉब माइनस करके लगाऊंगा। तो मेरे पास जो रेडियस ऑफ दी बॉब जो है वो है 1, तो मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगा 64 पे, सही है। 64 पे मैंने मार्क लगाया। ये हमारे पास 65 का पेंडुलम बन गया, सही है। इसको मैं क्या करूँगा, दोनों कॉर्ड के बीच में फिक्स कर दूंगा, बिल्कुल एज पे आना चाहिए ये। इसके ऊपर मैं रख दूंगा, इसको मैं इसके ऊपर यूँ टाई कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कैलिपर के बीच में फिक्स करना है। ये कैलिपर है आपका, इसके बीच में आप इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसको ऊपर करें, यहाँ से इसको ऊपर करना है, इतना ऊपर करें कि ये नीचे ये बॉब जो है इस पर नीचे फ्लोर के करीब हो, टच नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ऊपर करूँगा। ये बॉक्स रखा मैंने, इसकी हाइट जो है फ्लोर के करीब रखी है, सही है। जितना करीब रखोगे उतनी अच्छी वैल्यू आएगी। फ़िलहाल खैर है, लेकिन फ्लोर के करीब होना चाहिए। हम तो वैल्यू आप जी नहीं निकाल रहे हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, जो एम्पलीट्यूड्स हमने लिए थे ये 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 और 11 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करना है, इसको रोक देना एक पोजीशन पे, वो ये बॉब जो है यही लेनी। फिर उसके बाद हमने स्केल लेना है, स्केल से हमने ये मार्क लगानी जो एम्पलीट्यूड्स हमें गिवन है इसमें, सही है। एम्पलीट्यूड्स कौन कौन से गिवन है ये देखें, 5, 7, 9, 11 हम मार्क करेंगे। ये मेन पोजीशन से ये हो गया 5, सही है। फिर उसके बाद ये हो गया 7, फिर उसके बाद ये हो गया 9, उसके बाद ये हो गया 11, सही है। ये 11, 9, 7 ये हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हो गए। हमने क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड फाइव। सही है। मैं क्या करूँगा, इसको इस बॉब को लाऊंगा फाइव पे, फाइव की जो मार्क जो लगाए थे यहाँ पे मैंने, सही है, इस फाइव पे ला के मैं इसको छोड़ दूंगा। सही है। और 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नोट करूँगा। अभी मैंने इसको छोड़ दिया। सही है। ये देखें, ये इस पर लग गया तो ये इशू करेगा, तो मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, फाइव एम्पलीट्यूड पे ला के छोड़ देता हूँ। सही है। अब मैंने क्या करना है, 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, जैसे ये यहाँ पे आता है तो मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। सही है। जैसे ये स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो 10 ऑसिलेशन पे कितना आया हमारे पास, 10 ऑसिलेशन पे आया हमारे पास टाइम 16.13। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टाइम T1, ये लिखूँगा 16.31। सही है। अब मैं इसी सेम एम्पलीट्यूड पे एक दफ़ा और करूँगा। सही है। इसको मैं लाऊंगा फाइव पे, एम्पलीट्यूड फाइव पे। सही है। फिर छोड़ दूँगा। इसको मैं रिसेट करता हूँ। सही है। जैसे यहाँ आएगा मैं स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो ये अभी कितनी आई, 16.07। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 16.07, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके ये मीन निकालना है। इसके बाद अभी क्या करना है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 7, एम्पलीट्यूड 7। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस लाइन पे 7 की जो हमने मार्क लगाए, 7 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखा था, यहाँ पे था, तो इस पे लाके मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे लाके मैं छोड़ दूँगा। सही है। जैसे यहाँ आएगा 10 ऑसिलेशन, ये स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो 10 ऑसिलेशन का कितना आया अभी, ये आया 15.94। एक और करेंगे 7 एम्पलीट्यूड पे, ये 7 है तो मैं इसको छोड़ दिया। जैसे यहाँ आएगा मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले रिसेट किया, अब स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो कितना है, 16.13। तो अभी टाइम पीरियड क्या आया, 16.13। सही है। ये आया। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिर से रिसेट करूँगा। अब जो एम्पलीट्यूड में रखूँगा वो 9 पे रखूँगा। सही है। ये लाइन 9 वाली लाइन, 9 सेंटीमीटर वाली लाइन ये है, तो इसको मैं छोड़ दिया। अब 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करूँगा। जैसे यहाँ आएगा मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो ये आपकी क्या आ रही है, 16.9 एम्पलीट्यूड पे 16.16 आ गई, फास्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड के लिए हमें क्या करूँ, एक दफ़ा और 9 सेंटीमीटर का जो मार्क लगाया था एम्पलीट्यूड का, मैं उस पर ले जाऊँगा फिर छोड़ दूँगा। सही है। जैसे यहाँ आएगा मैं इसको रिसेट करता हूँ और टाइम पीरियड नोट करूँगा। जैसे यहाँ आता है मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10। सही है। कितना है, 16.25। सही है। यहाँ पे लिखूँगा मैं 16.25। सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, हमारे पास नेक्स्ट एम्पलीट्यूड है 11, तो 11 पे हमने 2 ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो यहाँ पे लाएँ, छोड़ दें। सही है। इसको रिसेट करें। ये जैसे यहाँ पे आएगा मैंने स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। ये फिर से टाइम पीरियड से इसी तरीके से आपका जो टाइम जो है आपने नोट डाउन कर देना है। ये आया 16.22। एक और दफ़ा करूँगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16.22 और ये आगे क्या हो जाएगी, ये भी 16.15 कर दो या कुछ कर दो। सही है। लेकिन आएगा इसी फिगर में। ये हमने टाइम पीरियड्स निकालें। अब इन दोनों का मीन लिखना है यहाँ पे, इन दोनों का मीन यहाँ पे, फिर इन दोनों का मीन यहाँ पे, फिर इन दोनों का मीन यहाँ पे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम पीरियड इसको डिवाइड बाय 10 करके यहाँ लिखना है। तो ये है 16.31 प्लस 16.31 प्लस 16.07 डिवाइडेड बाय 2, 16.19। 16.19 इसको मैं डिवाइडेड बाय 10 करूँ, डिवाइडेड बाय 10, 1.61, 1.61 नहीं 2 कर देते हैं राउंड अप करके, चलो। सही है। फिर उसके बाद 15.94 प्लस 16.13 इसको डिवाइड करेंगे 2 से। सही है। मीन निकालना है। तो ये आ रहा है 16.035 आ रहा है। सही है। आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से। सही है। ये टी आया तो टी को डिवाइड बाय 10, 1 ऑसिलेशन। ये 10 ऑसिलेशन के 1 ऑसिलेशन का कराने के लिए डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो 1.60 आया। चलो। सही है। उसके बाद जो है ये करेंगे 16.16 प्लस 16.25 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आया 16.205 इसको डिवाइड करें 10 से, तो ये होगा 1.62। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास ये आ रहा है 16.22 इसको प्लस करेंगे 16.15 और डिवाइड करेंगे 2 से, ये आया 16.18 इसको डिवाइड करेंगे 10 से, ये कितना आया 1.61। सही। ये हमारे पास वैल्यूज़ आए कि आ गई टाइम पीरियड की। सही है। तो इसी तरीके से करना है एम्पलीट्यूड का। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ में क्या है, एम्पलीट्यूड और टी के दरमियान। सही है। हमारे पास एम्पलीट्यूड ये है और टाइम ये वाली वैल्यूज़ है, तो हम इनको राउंड ऑफ करके 1.6 ले लेंगे। सही है। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, सही है। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जो है आपने एक्स एक्सिस पे एक्स लेना है, सही है। ये एक्स यानी एम्पलीट्यूड लेना है, एम्पलीट्यूड लेना है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या करना है, टाइम टी, सही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है वैल्यूज जो है वो क्या है, यहाँ पे 5 7 9 11, सही है। 5 7 ये वैल्यूज़ हैं, सही है, ये हो गई। अब वाई एक्सिस पे हमने क्या करना है, मैक्सिमम 1.6 पे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 0.5 सेकेंड्स के इक्वल लेते हैं। तो ये 1, सही है। और फिर उसके बाद 1.5, फिर 2, सही है, 2.0, 1.0, ये हो गया। तो यहाँ पे स्केल लिखना है along x एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 6 बॉक्सेस इक्वल टू कितने के 2 सेंटीमीटर के, सही है। यहाँ पे हमने स्किप किए हैं तो वैल्यूज़, तो यहाँ पे जिगजैग लाइन भी बनाना है। फिर उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.5 सेकेंड, सही है। तो ये ग्राफ, अब हमने क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है या इसी वैल्यू पे करें, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इनको राउंड ऑफ करता हूँ 1.6 तक, सही है। तो ये सब की वैल्यू क्या आ रही है, टाइम पीरियड सबका 5 7 9 11 पे 1.66 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे जो है 1.5 1.6 यहाँ पे होगा, सही है। 1.6 1.6 1.6 1.6, सही है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया और इसको हम यूँ करके ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सही है। तो इसी तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कौन सा हो गया, 4 एम्पलीट्यूड के लिए, 4 एम्पलीट्यूड के लिए ये ग्राफ हो गया, सही। तो इसी तरीके से आपने करना है।